नमस्कार दोस्तों, ये नवंबर में 41 इयर्स के हो जाएंगे और ये रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। अब इस हाथ को मैं देखूं तो इतनी अच्छी फिश साइन है और भरपूर फिश साइन है, केवल एक नहीं कई सारी है। और इनकी धन रेखा इतनी डिस्टर्ब है, कोई साधारण व्यक्ति होता तो इस तरह की धन रेखा में कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं। पर इनकी इतनी बड़ी बड़ी फिश साइनें हैं तो कहीं ना कहीं इनको ग्रोथ मिल रहा है। पर फिर भी जो इनको ग्रोथ मिल रहा है, मैं जनरली किसी का टर्नओवर बताता नहीं, पर इनकी फेट लाइन आप लोगों को भी कुछ सीखने मिले इसके लिए मैं जिक्र कर रहा हूं। और ये थोड़े से खुले दिल के भी है, 25 करोड़ के आसपास का फिगर है, प्लस माइनस 1-2। यानी आप सोचिए कि धन देने में फिश साइन का कितना बड़ा रोल होता है। और इनकी जब आप धन रेखा देखोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ऐसी धन रेखा में भी व्यक्ति अर्न कर पाता है। और वो कारण एक ही है, फिश साइन। और अगर इनको अच्छी धन रेखा मिली होती तो ये ह्यूज लेवल के टर्नओवर वाले व्यक्ति होते थे, ह्यूज लेवल के बिलियनर साइन है इनके हाथ में। पर फिर भी डिजायर ग्रोथ इनको जीवन में उतनी नहीं मिलने वाली जो ये डिजर्व कर रहे। तो इतना माइनस पॉइंट इस हाथ में है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ईश्वर देता है तो खुल कर नहीं देता, और कभी कभी ऐसा लगता है कि कम से कम इतना दिया तो सही, अब इसका कोई पैमाना नहीं है। पर इतनी अच्छी फिश साइन में व्यक्ति ह्यूज लेवल का टर्नओवर करता है, इतनी अच्छी। और बहुत सारी है, एक नहीं, मैं एक एक करके सारी चीज़ों को बताऊंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुषाकार शेप बने या सीधी रेखा बने, ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं। और इन्होंने बहुत कम परेशानी से फोटो भेजे हैं, बहुत कम मेहनत में काम हुआ है। सेकेंड चीज, ये पूरा स्क्वेरिश पाम है, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा, और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते। यानी रेगिस्तान में भी भेज दे तो वहाँ से भी मीठा पानी निकाल के लाए, इतने मेहनती होते। हाँ, इनमें एक माइनस पॉइंट होता है, कम नफे में काम नहीं करते, ये इनका माइनस पॉइंट। और एक दो दिन अगर बिजनेस नहीं हुआ तो इनको लगता है जैसे जीवन पूरा हो चुका, अब कुछ बचा नहीं, इस तरह की फीलिंग होती है इनको। अंगूठा काफ़ी अच्छा है, स्ट्रांग है, तो व्यक्तित्व अच्छा होता है व्यक्ति का। और फर्स्ट फैलेंज काफ़ी बड़ा है तो काफ़ी मेहनती होंगे, सेकंड फैलेंज थोड़ा सा मांसल कम है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी होगी, और जहां लॉजिक की ज़रूरत है वहां लॉजिक यूज़ किया, जहां चुप रहने की ज़रूरत है वहां चुप रहे। जिस व्यक्ति के हाथ में इतनी छोटी उंगलियाँ हो तो बहुत फास्ट निर्णय लेते हैं, और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। सूर्य की उंगली बड़ी है और साथ में चम्मचाकार शेप है, तो ये और एक प्लस पॉइंट, सूर्य की शक्ति को बढ़ा देती है ये, तो ये प्लस पॉइंट है। छोटी उंगली भी, जब ये उंगली बड़ी होती है सूर्य की, तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है और जीवन का आनंद लेता है। और छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलन तक पहुँच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके सारे फोटो, चाहे वो इंक लगाए हुए हो या न लगाए हो, सारे स्पष्ट है, फिर भी मैं इंक को पसंद करूंगा। इनकी केवल हृदय रेखा थोड़ी सी डार्क है, उसके अलावा चलिए इसी के ऊपर चलते हैं हम। जिस व्यक्ति के हाथ में इतनी बड़ी बड़ी बुध रेखाएं हो तो एक तो चार पांच भाषाओं के ये लोग जानकार होते हैं, बोलने ना आए तो समझ में तो आती है, व्यक्ति को सुंदरता भी देती है, वाणी मीठी होती है एकदम मधुर शहद की तरह, ये एडवांटेज मिलता है, प्लस सुंदरता भी देती है। और ये पार्ट दबाओ, अगर ये उभार होता है तो व्यक्ति अति सुंदर बनता है, पर ये पार्ट दबा हुआ है तो ऐसे लोग मन की बातें करने में कहीं ना कहीं हिचकिचाते। परिवार में बैठे हो या परिवार से बिजनेस मीटिंग में हो, वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये चीज़ बोलनी थी, ये रह गई।
ये पार्ट उभार होता है तो कहीं ना कहीं नाम के प्रति ज्यादा जिज्ञासा होती है व्यक्ति को। छोटा भी काम करे तो उनको लगता है कि नाम मिलना चाहिए, ये एक माइनस पॉइंट रहता है। अब इनके सन माउंट पर मैं एक एक करके सारी फिश शयनों को बताता हूं। एक छोटी सी यहां है, एक और यहां पर है, दो। अब मैं और एक फोटोग्राफ में लेकर चलता हूं। ये काफी बड़ी फिश है इनके हाथ में। यहां से ये लाइन निकल रही है, सीधी जा रही है, और यहां से ये घूमकर मुड़ रही है। इतनी पतली फिश लाइन बहुत पैसा देती है, बहुत ज्यादा पैसा, पर इनको ईश्वर ने धन रेखा इतनी दमदार नहीं दी। तीन हुई, ये चौथी, चार, ये पांच, ये छह, छह और एक और मैंने देखी थी, हाँ ये रही, सात और ये आठ। यानी इतनी सारी फिश साइने इनके हाथ में छोटी बड़ी मिला के। अगर ये ना होती, और इनकी धन रेखा, मैं जब धन रेखा पर आऊंगा तब दिखाऊंगा, व्यक्ति बहुत परेशान रहता था, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। अब इनके हम नॉर्मल के अंदर भी चलते रेगुलर में, अब यहाँ पर एक विद्या रेखा भी बनी है। तो व्यक्ति के जीवन में जब विद्या रेखा होती है तो बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस भी है, व्यक्ति जीवन में सीरियस भी होता है, और यहाँ पर लूप ऑफ ह्यूमर भी है। तो जहाँ हास्य की जरूरत है वहाँ हास्य पैदा किया, और जहां सीरियस रहने की जरूरत है वहां सीरियस रहे। अब इनकी जो फेट लाइन है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, और यहां पर एक ट्रायंगल भी है इनके हाथ में। ये व्यक्ति को या तो कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइन को देखकर कभी ना कभी विदेश से धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं इनके। और ये लाइन जब हृदय रेखा देखे तो मेरे हिसाब से ये हृदय रेखा क्लोजअप के अंदर ही देखते हैं कहाँ से शुरुआत हो रही है। ये नॉन स्टॉप चल रही है, इस पर हम बाद में आएंगे, हृदय रेखा पर आएंगे तब। अब जुपिटर माउंट कितना ट्रिमेंडस है, और इनके सवाल भी थे मेरा आगे आने वाला जीवन कैसा रहेगा, वो तो आपको जानकारी मिल जाएगी, और दूसरा चाइल्ड होगा कि नहीं, चाइल्ड की मुझे जानकारी नहीं, इसके लिए मैं दे नहीं पाऊंगा आपको। अब इनका जो जुपिटर माउंट है वो ट्रिमेंडस अच्छा है, तो पारिवारिक और सांसारिक सुख व्यक्ति को बहुत अच्छा मिलता है जब इस तरह का जुपिटर माउंट हो। और कंटिन्यू चलने वाली रेखा है, ये कंटिन्यू प्रोग्रेस शो करती है, और यहाँ पर अगर ये साइन बनती होगी तो इनको पढ़ने का बहुत शौक होगा, पर ये किंतु परंतु मैं क्लियर नहीं बता सकता, क्योंकि जुपिटर की जो फिश साइन है व्यक्ति को बहुत ज्ञानी बनाती है, और छोटा सा स्क्वायर भी है तो व्यक्ति 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, और 36 के आसपास अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। हॉरिजॉन्टल लाइनें भरपूर है, तो आगे मल्टीपल इनकम के स्रोत इनके जीवन में बनते रहेंगे। और ये जो बिल्डिंग लाइन है इनके लिए परफेक्ट है, क्योंकि हाथ की रेखा ब्लैक कलर की है, डार्क ब्राउन है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, और साथ में मंगल भी अच्छा है, तो ये प्रॉपर लाइन के अंदर ही है। ऐसे लोग फाइनेंस में
मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग नहीं कर सकते ऐसे लोग। जमीन से अंदर की निकलने वाली चीज़ है, जमीन के ऊपर उगने वाली चीज़ है, जमीन के अंदर जैसे मेटल है या इस तरह के जो कार्य करते हैं उसमें सफलता अच्छी मिलती है इनको, और ज़्यादातर इसी तरह के कार्य में होते ये लोग। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। सेकंड, धार्मिक भावना, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसमें ध्यान जाता है, और सेवा भावी होते हैं। और इतना अच्छा जुपिटर माउंट हो तो व्यक्ति खाने का शौकीन होता है, सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है। हाँ, इनसे कोई बड़ा जुपिटर माउंट वाला इनके पास आया तो उसकी सुन लेंगे, बाकी आप छोटा जुपिटर माउंट वाला कभी उसकी सुनेंगे नहीं। और जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते तो ये एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। और खाने के तो इतने शौकीन होते हैं, इनको पता चले 50-100 किलोमीटर पर यहाँ पर अच्छी डिश मिलती है तो वहाँ चले जाएंगे। और कभी कभी तो ये लोग खुद खाना बनाना सीख जाते और लोगों को टेस्टी खाना खिलाते। और ये कंटिन्यू चलने वाली रेखा है, व्यक्ति को कितना भी खराब समय आए व्यक्ति अपनी जगह पे टिका रहता है। यहाँ पर देखे अंदरूनी मंगल तो व्यवस्थित है, हाँ थोड़ी सी लाइन है तो थोड़ा सा चिंतित स्वभाव होगा, इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। और ये एनर्जी अच्छा देता है मंगल, अंदरूनी मंगल, शारीरिक एनर्जी काफ़ी अच्छी रहती है। बाहरी मंगल उससे भी अच्छा है, ऐसे लोग जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और साहसी भी उतने होते हैं। जैसे हम एक उदाहरण दें, बजी जंपिंग है या जो स्काई ड्राइविंग होती है, इनको अगर भेज दिया जाए तो 2 मिनट भी सोचेंगे नहीं, मैं क्या होगा मेरा, मुझे, ये लोग कूद पड़ेंगे, सेफ्टी जैसे मिली कूद पड़ेंगे, इतने हिम्मती होते ये लोग। तो काफ़ी अच्छा मंगल है। चंद्र पर्वत भी काफ़ी ट्रुमेंडस है और उसमें 2 से ट्रायंगल है जो विदेश से धन प्राप्त या व्यक्ति कवि होता है। और ये एक छोटा सा क्रॉस है, ये व्यक्ति को थोड़ी सी जीवन के प्रति नेगेटिव फीलिंग जरूर देता है। मैं इसका उपाय दे दूंगा, कितना भी अच्छा समय चलता हो पर फिर भी आदमी डरते रहता है, ये क्रॉस इतना माइनस पॉइंट देता है ये, मैं इसका उपाय दे दूंगा। और चंद्र पर्वत अच्छा और साथ में जीवन रेखा से बहुत सारी रेखाएं जा रही है तो विदेश से संबंध, और ऐसे भी इतनी बड़ी फिश लाइन वालों के पास पैसे इतने आते हैं कि इनके लिए विदेश घूमना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती है, प्लस अच्छे परचेसर होते, निर्णय शक्ति अच्छी होती है और नया नया कार्य करने का शौक होता है। तो ये सारा एडवांटेज इनके हाथ में है। अब फिश चैन वालों को मनी ट्रायंगल न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इनके हाथ में एक छोटा मनी ट्रायंगल जरूर है। और ये स्क्वायर कंप्लीट होगा तो व्यक्ति सच्चाई पसंद इंसान होता है, उसे झूठ पसंद नहीं आता। और एक और खासियत, जमीन से जुड़े कार्य कर रहे इनकी देखिए, मंगल रेखा यहां से निकल रही है, सूर्य रेखा, ये व्यक्ति को हार्डवर्क तो कराती है पर कहीं ना कहीं कनेक्शन भी देती है क्योंकि मंगल से निकल रही है। पूर्व पुण्य रेखा होती है तो वो पूरी होती है, यहाँ से ऐसे निकलकर ऐसे जाती है, पर ये केवल यहाँ से है, ये प्रॉपर बिजनेस में है। अब शुक्र पर्वत पर देखें तो कोई माइनस पॉइंट नहीं, थोड़ा सा फ्लैट है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग्जरी से दूर भागते होंगे, अगर स्टार होगा तो अलग बात है, बाकी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग्जरी से दूर भागते होंगे, बाकी कोई माइनस पॉइंट नहीं है। और ये फोर्क व्यक्ति को यात्रा है जीवन में ज्यादा करवाता है। अब इनकी जो हृदय रेखा है वो कंप्लीट जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। अब जब जुपिटर से स्टार्ट होती है तो शुरुआत में जो जवानी में और टीनेज में प्यार का प्रदर्शन करना जानते हैं ये लोग, पर इतने अच्छे स्वभाव के होते, एक तरह के देवदूत, किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं, सबसे मिलजुल कर रहना, ये इनके स्वाभाविक गुण होते हैं। मैं तो इनको देवदूत ही कहता हूँ, इतने अच्छे स्वभाव के पाए जाते, सबकी केयर करना, ये सब इनके लक्षण पाए जाते हैं। और थोड़ी सी डार्क है हृदय रेखा तो झंझटें जीवन में चलती रहती है।
और ये लाइन व्यक्ति को थोड़ा सा गुस्सा भी दिलाती है, ये तो ज्यादा दिलाती है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा गुस्सा दिलाती है। और यहां पर एक दो लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में होती है, और ये जो लाइन होती है ये व्यक्ति की फ्लर्ट लाइन है, दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इनके माइंड लाइन को देखें तो जुपिटर से ही स्टार्ट हो रही है और यहां से सीधी चलकर इस एंगल से फिर नीचे झुक रही है। अब ये व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है और व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। और ये जो पार्ट आएगा जीवन का लगभग 34 के आसपास से, ये धीरे धीरे काफी धार्मिक बन गए होंगे, सपने ज्यादा बढ़ गए होंगे, कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति साथ में चलती है इस तरह का एहसास होगा, कभी कभी ईश्वर के दर्शन भी हो जाएंगे और बहुत ज्यादा ख्याली लोग हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट भी है तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट भी है इस रेखा का, पर धार्मिकता अति देती है ये लाइन जब किसी की इतनी मुड़ जाती है। और ऐसे लोगों को सपने भी भरपूर आते हैं और माइंड लाइन थोड़ी सी डार्क है अप टू 34 तक, तो कहीं ना कहीं प्रेशर ज़्यादा रहा होगा, और थोड़ी सी भी मोटी रही माइंड लाइन तो ऐसे लोगों को थोड़ा कहीं ना कहीं याद शक्ति के लिए लॉजिक यूज करना पड़ता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं, इनके हाथ में एक 24 में एक रेखा काट रही है, ये रेखा काट के आगे बढ़ती होगी तो कोई ना कोई रुकावट आई होगी 24 के आसपास इनके जीवन में। उसके बाद 28 या 29 के आसपास ये रेखा यहां जॉइंट होते हुए दिख रही है, हो सकता है इसी पीरियड में इनकी शादी हुई हो। उसके बाद 34 में एक रेखा काट रही है, कोई रुकावट आई होगी, एक 36 में रेखा काट रही है और इसके पास ही एक ऑफशूट है तो कोई ना कोई बेनिफिट भी इनको मिली होगी। फिर ये वर्तमान समय में एक रेखा ने अभी काटा हुआ है, राहु रेखा ने, तो कोई ना कोई रुकावट भी इनको आई होगी या आने वाली है, और एक ऑफशूट जा रहा है तो ये रुकावट के बाद कोई ना कोई फायदा भी इनको होगा। फिर एक छोटी सी रेखा फोर्टी फोर के आसपास काट रही है, हल्की सी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, और एक 48 के आसपास राहु रेखा है और एक ऑफशूट भी है। उसके बाद 53 के आसपास ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की डेथ भी दिखाई दे रही है। उसके बाद 56 के आसपास ऑफशूट है और यहाँ पर भी नियर एंड डियरर की डेथ दिखाई दे रही है। और जीवन रेखा काफ़ी उत्तम है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और बहुत सारे उसके बाद भी ऑफशूट है तो प्रगति तो जीवन में दिख रही है, पर जो डिज़ायर प्रगति है वो ये नहीं ले पाएंगे जो ये डिजर्व कर रहे, उसका कारण है ये फेट लाइन। ये फेट लाइन यहां से ही बिगड़नी चालू हुई, ये लगभग 33 के आसपास से धीरे धीरे बिगड़ती बिगड़ती आगे चली, और ये जो पीरियड होगा यहां तो थोड़ा सा कम ग्रोथ दिखाई दे रहा है, 39 से लेकर 43 तक ये इतनी ग्रोथ नहीं ले पाएंगे जो चाह रहे। और ये अगर रेखा ने हृदय रेखा से निकलती होगी तो ये 42 के आसपास इन्वेस्टमेंट कराएगी, इसको इसके साथ ज्वाइंट कर सकते हैं, जो ऑफशूट मैंने बताया था इस ऑफशूट के साथ ज्वाइंट कर सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट कराएगी। और ये हृदय रेखा से न निकले तो कोई ना कोई माइनस पॉइंट व्यक्ति को जीवन में देती, यानी नुकसान जाता है, पर 99% ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है, कोई बड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये जो उसके बाद जो धन रेखा है बहुत उत्तम तो नहीं है, फैली हुई है, पर यहाँ से तो ज़्यादा प्रोग्रेस इनको मिलेगी, 43 से ज़्यादा प्रोग्रेस इनको मिलेगी, तो कहीं ना कहीं टर्नओवर बढ़ते हुए इनको दिखेगा, पर एक्सपेंस लेवल हाई रहेगा। और ऐसे लोगों को लोगों का सहयोग भी कम मिलता है जब इस तरह की धन रेखा होती है। और देखिए नाड़ी का रेखा बाहर निकलती है तो बीच बीच में कोई ना कोई खर्च भी आ जाता है जब नाड़ी का रेखा काटती है तो, और ये इस तरह की धन रेखा अप टू एंड तक है। हाँ बीच बीच में कहीं ना कहीं अच्छी भी मिलेगी इनको, पर अप टू ये 63 तक
इस तरह की धन रेखा है। तो ये डिजायर ग्रोथ जो जिस तरह की फिश साइन है वैसी ग्रोथ तो नहीं मिलेगी, पर आम इंसान से तो कई गुना ज़्यादा पैसा ये आगे भी कमा रहे, अभी भी कमा रहे और आगे भी कमाते रहेंगे। ये इसका माइनस पॉइंट है इनके हाथ में, इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट इनके हाथ में नहीं है। तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो ईश्वर ने दिया वो भी कम नहीं दिया, आप खुश रहिए। और 43 के बाद कहीं ना कहीं आपको विकास होते हुए भी, थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए भी दिखेगा आपके जीवन में। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।